और बात खेल जगत की कर लेते हैं। T20 विश्व कप चल रहा है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। T20 विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका ने एक तरफा मैच में अफगानिस्तान को हरा दिया। 9 विकेट से अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन अफगानिस्तान की टीम का आज देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मैच आज सेमीफाइनल के, एक जो चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। इसमें साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसने बाजी मार ली है, फाइनल में जगह बना ली है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शाम को आज इंग्लैंड और भारत के बीच भी मुकाबला होना है, वहां से ये साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंच रही है। लेकिन आज का ये जो मुकाबला रहा है वो अफगानिस्तान के नजरिए से बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि महज आपको बता दें 56 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई अफगानिस्तान की, और ये सबसे छोटा टोटल भी था जो कि अफगानिस्तान की टीम ने यहां पर अपने लिए एक शर्मनाक रिकॉर्ड के तौर पर बनाया है। इसके बाद आपको बता दें साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है। साउथ अफ्रीका की टीम 1 विकेट गंवाकर इस मैच को अपने नाम कर लेती है, और ये साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि ज्यादातर हम देखते हैं बड़े मुकाबलों में बिखर जाती है, लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने एक तरफा इस मैच को जीत लिया। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के जो कप्तान हैं एडम मार्करम, उन्होंने 23 रन बनाए। इसके अलावा रीजा हेंड्रिक्स ने 29 रन बनाए हैं। एकमात्र विकेट जो गंवाया वो क्विंटन डिकॉक का था, और ये जो मैच है अफगानिस्तान हार चुकी है, यानी अब अफगानिस्तान अपने वतन वापसी करेगी। T20 में उसका सफर विश्व कप में इस वाले में खत्म हो गया है।